किस पर भारत में सबसे पहला आतंकवादी हमला हुआ था, क्या है इस पहले आतंकवादी हमले की पूरी कहानी, क्यों इस आतंकवादी को गांधी जी ने भाई कहा था, इसे गांधी जी के खिलाफ इस मामले में झूठ फैलाया गया, क्या कारण था कि मुस्लिम स्वामी श्रद्धानंद जी के खिलाफ हो गए थे और क्यों गांधी जी किसी भी हत्यारे को फांसी दिए जाने के खिलाफ थे। हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी पर हुए भारत के पहले आतंकवादी हमले और उसके बाद गांधी जी को लेकर फैलाए गए झूठ के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्वामी श्रद्धानंद जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर भारत का पहला आतंकवादी हमला हुआ था। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद 1920 के दौर में हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे। वो आर्य समाज के प्रमुख होने के साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कुछ इतिहासकारों का तो दावा यह भी है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने ही मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सबसे पहले महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया था और गांधी जी के कहने पर ही स्वामी श्रद्धानंद असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इसी बीच जब असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी नाकाम होने लगा तो केरल के मालाबार इलाके में मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इसे मोपला नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी जी मोपाल नरसंहार से अंदर तक हिल गए थे। इस दौरान मोपला में हजारों हजार हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा कर मुसलमान बना दिया गया था और फिर ऐसी कई घटनाओं से परेशान होकर स्वामी श्रद्धानंद ने अपने आर्य समाज के जरिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 11 फरवरी 1923 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की। अपने इस आंदोलन के जरिए स्वामी श्रद्धानंद ने उन धर्म परिवर्तित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में शामिल करना शुरू कर दिया जिन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था। अब जब स्वामी जी ऐसा करने लगे और शुद्धि आंदोलन सक्सेसफुल होने लगा तो इस शुद्धि आंदोलन की कामयाबी से कट्टरपंथी तबलीगी मुसलमानों की बुनियाद हिल गई। इस आंदोलन की सक्सेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वामी जी ने अकेले उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश में 18,000 मुस्लिमों के हिंदू धर्म में वापसी करवाई और यह सब कानून के मुताबिक हुआ। कहते हैं ना कि जब आप कोई भी बड़ा काम करते हैं तो आपके दुश्मन अपने आप बनने लग जाते हैं। स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि उस दौर में कट्टरपंथी मुसलमानों को लग रहा था कि तबलीग में तो धर्मांतरण एक मजहबी कर्तव्य है लेकिन एक हिंदू संत ने भी ऐसा कैसे कर दिया। लिहाजा स्वामी श्रद्धानंद जी पर उस समय हर तरफ से हमले शुरू हो गए और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन इस महान संत की निर्मम हत्या कर दी गई। जी हाँ, 23 दिसंबर 1926 की बात है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में दोपहर के वक्त स्वामी श्रद्धानंद अपने घर में आराम कर रहे थे। उस समय वो बेहद बीमार थे। तभी अब्दुल रशीद नाम का एक युवक पहुंचा। उसने स्वामी जी से मिलने का समय मांगा और कहा कि वो धार्मिक मामलों पर उनसे चर्चा करना चाहता है। चूंकि डॉक्टर ने स्वामी जी को किसी से भी मिलने से मना किया था और इसी कारण स्वामी जी के सहयोगी ने उसको स्वामी जी से मिलवाने से मना कर दिया। लेकिन वो जब जिद करने लगा तो भरोसा करके स्वामी जी ने उसे वक्त दे दिया। लेकिन अब्दुल रशीद ने भरोसा तोड़ने में देर नहीं की। उसने स्वामी जी पर हमला करके उनकी जान ले ली और अब्दुल रशीद की इसी हरकत के कारण उसे भारत का पहला आतंकवादी कहा जाना लाजमी है। देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी और महात्मा गांधी जी के आपस में काफी अच्छे संबंध थे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि स्वामी श्रद्धानंद ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसलिए जब स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई तो महात्मा गांधी स्वामी जी की हत्या से काफी विचलित थे और स्वामी जी की हत्या का जब महात्मा गांधी को पता चला तो उसके बाद उनकी हत्या पर दिए गए बयान से आज तक महात्मा गांधी की आलोचना होती है, वो भी बिना सच का पता लगाए। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या और उस पर महात्मा गांधी के रिएक्शन को लेकर लोगों ने काफी झूठ फैला रखा है। कहा जाता है कि स्वामी जी की हत्या के दो दिन बाद गांधी जी ने कट्टरपंथी हत्यारे अब्दुल रशीद को अपना भाई बता दिया। गांधी ने 25 दिसंबर 1926 को गुवाहाटी में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा कि मैं अब्दुल रशीद को अपना भाई मानता हूं। मैं यहां तक कि उसे स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूं। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ घृणा की भावना पैदा की। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। अब आप सोचेंगे, जिस स्वामी श्रद्धानंद जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का नाम दिया, उस असली संत महात्मा की मौत पर गांधी ने इतना बेतुका बयान क्यों दिया? तो लोगों का यह कहना है कि जब स्वामी जी की हत्या हुई तो गांधी जी ने उसकी कोई आलोचना नहीं की, बल्कि जो उनका हत्यारा था अब्दुल रशीद उसकी तारीफ की। और इन बयानों से आपको भी लग रहा होगा कि गांधी जी ने एक हत्यारे की तारीफ ही तो की है, लेकिन यकीन मानिए यह बात पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि गांधी जी के अपने दिए गए भाषण से कुछ शब्द इधर उधर करके लंबे समय से तमाशा चल रहा है। इसलिए इस वीडियो में आपको मैं गांधी जी के उन दो भाषण जिनमें स्वामी श्रद्धानंद जी का और उनकी हत्या का जिक्र है और जिन भाषण में स्वामी जी की हत्या के बाद गांधी जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है उसका ओरिजिनल वर्जन आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे लंबे समय से झूठ धीरे धीरे समाज में इस तरह फैलाया गया है कि बहुत सारे लोग इस पर भरोसा करने लगे।
तो देखिए, गांधी जी की स्पीचेस और उनकी राइटिंग्स हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल पर सिर्फ इतना टाइप कीजिए, कलेक्टेड वर्कशॉप महात्मा गांधी, और आपको खंड 1 से खंड 98 तक सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो उसमें बकायदा आपको पीरियड मिल जाएगा कि इस पीरियड से इस पीरियड की चीज इसमें है। तो इसी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के खंड 37 की पेज नंबर 434, जिसकी शुरुआत दो टेलीग्राम से होती है, ये वो टेलीग्राम है जो गांधी जी ने स्वामी जी की हत्या की सूचना मिलने के जवाब में लिखे थे। हुआ ये था कि जब गांधी जी को स्वामी जी की मौत का टेलीग्राम मिला, उस समय वो गुवाहाटी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शिरकत करने जा रहे थे। और इसी अधिवेशन यानी स्वामी जी की मौत के एक दिन बाद 24 दिसंबर को गांधी जी ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और उनकी मौत सॉरी हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। और उन्होंने कहा कि मैं ये बार बार कहता हूं कि मेरे लिए हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, मैं जन्म से एक हिंदू हूं और मुझे हिंदू धर्म में शांति मिलती है। जब भी मेरे पास शांति नहीं होती है, मैं अशांत होता हूं, तो हिंदू धर्म मुझे शांति देता है। इसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद वीरों के वीर थे, बेहद बहादुर थे। इसी में अपने निजी रिश्ते की बात करते हुए कहते हैं कि 6 महीने पहले जब श्रद्धानंद जी मुझसे मिले थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत सारे धमकी भरे पत्र मुझे मिलते हैं, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूं। इसके आगे गांधी कहते हैं कि आज एक मुसलमान ने हिंदू की हत्या की है, और हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर कल को कोई हिंदू किसी मुसलमान की हत्या कर दे। वो कहते हैं कि जब हमें अपनी जुबान और कलम पर कोई काबू ही नहीं है, तो देश में इस तरह की नफरत फैलेगी ही। इसी क्रम में वो कहते हैं कि आज अखबार जहर उगल रहे हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि जो हिंदू अखबार हैं वो मुसलमान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, और जो मुस्लिम अखबार हैं वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। तो देखिए, इस पहले भाषण में वो अब्दुल रशीद का सिर्फ इतना जिक्र करते हैं कि वो एक हत्यारा है जिसने धोखे से बीमार स्वामी जी की हत्या कर दी, जिसको गांधी जी एक कायराना कृत्य कहते हैं। इसके बाद अगला जो भाषण है वो है 26 दिसंबर 1926 का, यानी इसी कांग्रेस के अधिवेशन के दूसरे दिन, जिसमें गांधी जी एक बार फिर बात करते हैं। इसमें वो हिंदू मुस्लिम समस्या, स्वामी जी की हत्या और देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता और अखबारों की भूमिका पर अपनी बात रखते हैं। इसमें वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हम सब इतने मजबूत बन सके कि एक शहीद की मौत मरे। श्रद्धानंद जी एक शहीद की मौत मरे हैं। हाँ, हम सब इतने मजबूत बन सके कि एक शहीद की मौत मरे, लेकिन शहीद होने का, शहादत होने का लालच हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इसके आगे वो कहते हैं, स्वामी जी नायकों के नायक और वीरों में वीर है। यह वीरता की बात गांधी बार बार कहते हैं। पिछले भाषण में भी उन्होंने कहा कि मैं जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो स्वामी श्रद्धानंद से अधिक वीर हो। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि क्या स्वामी जी ने जो देश की सेवा की, उसको शब्दों में बयां किया जा सकता है। जैसा सब लोग जानते हैं कि स्वामी जी गरीब और मजबूर लोगों का सहारा थे, उनकी मदद किया करते थे। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि ऐसे महान नायक और देशभक्त, ईश्वर के इतने बड़े सेवक स्वामी जी की यह जो हत्या हुई है, यह देश के लिए काम आ सकती है। इससे हम सीख सकते हैं कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत लगातार बढ़ती रही, तो ऐसी हत्याएं होती रहेगी और हम अपने नायकों को ऐसे ही खोते रहेंगे। वो यह फिर से याद दिलाते हैं कि स्वामी जी बीमार थे, उनका इलाज डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। डॉक्टर अंसारी साहब ने एकदम साफ मना किया था कि किसी भी व्यक्ति को श्रद्धानंद जी से मिलने न दिया जाए। स्वामी जी जानते थे कि मिलना जुलना भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है, उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद जब उनके दरवाजे पर कोई आदमी आया उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने उसको अंदर आने दिया। ये स्वामी जी की महानता है कि स्वामी जी को अपना काम अपनी जान से भी प्यारा था। और आगे वो कहते हैं, ये कायरता है कि इसका फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी बार बार दोहराते हैं कि ना तो गीता किसी ऐसी कायराने हत्या की इजाजत देती है और न ही कुरान। ऐसे ही इस पूरे भाषण को पढ़ने पर पता चलता है कि गांधी जी उस समय देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत फैली थी, अखबार जो हिंदू मुस्लिम के बीच के जहर को फैलाने में लगे हुए थे, गांधी लगातार ऐसे लोगों की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान और मजबूत व्यक्ति की हत्या के बाद हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच की नफरत कम नहीं की गई, तो इसके कितने भयानक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोग ना भाई शब्द जो गांधी जी ने प्रयोग किया था स्वामी जी के हत्यारे अब्दुल रशीद के लिए, उस पर आपत्ति करते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे भाषण को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे गांधी जी कहते हैं, मैं जानबूझकर उनको भाई कह रहा हूं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति एक अब्दुल रशीद स्वामी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेरे लिए तो हर हिंदू हर मुसलमान भाई है। वो कहते हैं कि स्वामी जी की हत्या के लिए हर वो शख्स जिम्मेदार है जो इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैला रहा है। स्वामी जी को गांधी जी शहीद कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सीने में गोलियां झेली। किसे मालूम था कि यही नफरत एक दिन गांधी जी की भी जान ले लेगी। क्योंकि अगर आप गांधी जी को पढ़ें तो वो बार बार
कहते थे कि भाई मुझे बहादुर और साहसी तब कहना जब सामने से मेरे ऊपर कोई गोली चलाए और मैं बिना कोई प्रतिरोध के राम का नाम लेते हुए अपने प्राण दे दूं। तो देखिए इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक बुरे मुसलमान ने स्वामी जी की जान ली और एक बुरे हिंदू ने गांधी जी की जान ली, और इन दो बुरे लोगों के कारण न तो सारे हिंदुओं को दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही पूरी मुस्लिम कौम को दोषी ठहराया जा सकता है। और देखिए गांधी जी हमेशा हत्या के दंड यानी मृत्यु दंड के खिलाफ थे, इसलिए गांधी जी की हत्या के बाद जब नाथूराम गोडसे जेल में थे तब उनके पुत्रों ने भी नाथूराम गोडसे को एक पत्र लिखा था और उसमें भी उन्होंने नाथूराम गोडसे को भाई लिखा था। यह गांधी जी की शिक्षा थी, कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उससे सम्मान से बात की जा सकती है। और न सिर्फ उनके पुत्रों ने नाथूराम गोडसे को पत्र लिखा था बल्कि भारत सरकार को भी पत्र लिखकर मांग की थी कि गोडसे को फांसी न दी जाए क्योंकि गांधी जी मृत्युदंड के खिलाफ थे। हालांकि बाद में नेहरू जी और सरदार पटेल ने यह तय किया कि गोडसे को फांसी की सजा देनी चाहिए क्योंकि उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यहाँ एक बात यह भी है जो शायद झूठ फैलाने वाले लोगों को पता नहीं होगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी के बेटे की जो पुत्री थी बहन सत्यवती, उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, बेहद तेज तर्रार। गांधी जी तो उनको तूफानी बहन कहते थे। जैसे गांधी जी गिरफ्तार होने पर कोई जुर्माना नहीं देते थे, इसी तरह बहन सत्यवती ने भी अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद गिरफ्तार होने पर कोई जुर्माना नहीं दिया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शानदार भूमिका निभाई और बाद में 1945 में उनकी मृत्यु हो गई। देखो ये जो झूठ फैलाया जाता है कि गांधी जी अब्दुल रशीद के समर्थन में थे या गांधी जी ने श्रद्धानंद जी की हत्या पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था, तो जरा सोच कर देखो इन बातों में अगर कुछ भी सच होता तो क्या श्रद्धानंद जी की अपनी पोती गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रही होती? ये लोग जो आरोप लगाते हैं क्या उन्होंने गांधी जी के इन भाषणों को कभी पढ़ा भी है या बस वो लोग झूठी अफवाहों पर भरोसा करके और ज्यादा झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।